Hello students, welcome to my class. I am S.K. Nigam, your chemistry teacher, and in today's session we will discuss some topics of chapter number 5 of NCERT chemistry, that is surface chemistry. So in this session I will teach you the coagulation of colloids and the protection of colloids. In the section of coagulation of colloids, I will also teach you different methods by which you can coagulate the colloids, and the most important topic is the Hardy-Schultz rule, then coagulation value and coagulation power. And in the protection of colloids, I will teach you about the gold number, which is the most important topic regarding the examination as well as for the competitive examination. So let's get started. So the very first heading, that is coagulation of colloids. तो coagulation है क्या actually? इसको हम precipitation भी कह सकते हैं. इट इज़ प्रेसिपिटेशन, मीन्स प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होना, या फिर इसको हम फ्लॉकुलेशन भी कह सकते हैं. ऑल्सो टर्म्ड एज फ्लॉकुलेशन. तो ये तीन टर्म एक ही चीज़, एक ही प्रोसेस के लिए है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं ये स्टेबल क्यों होते हैं. कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं दे आर स्टेबल. कोलाइडल आर स्टेबल. एंड वाई दे आर स्टेबल? बिकॉज दे पजेस एनी ऑफ द चार्ज. फॉर एग्जाम्पल ये ए जी आई था तो हमने बताया था क्या, तो इसके ऊपर माइनस साइन था, माइनस चार्ज एडजॉर्ब होता है, या फिर पॉजिटिव. तो जितने भी कोलाइड्स ए जी आई के होंगे वो सारे के सारे निगेटिवली चार्ज हैं. अगर तो वो क्या करेंगे एक दूसरे को, बेसिक कॉन्सेप्ट है, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर. इट मीन्स कि एज दे विल कम क्लोजर टू ईच अदर दे विल रिपेल ईच अदर. इट मीन्स कि ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, और यही वजह है कि कलेक्ट नहीं होते. और जब ये कलेक्ट नहीं होते हैं तो ये पी पी टी में कन्वर्ट, यानी प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट नहीं होते हैं. इसका मतलब है इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है ये चार्जेस. अगर ये चार्जेस जब तक इनके पास रहेंगे ये इनको एक दूसरे के पास नहीं आने देंगे, और जब ये एक से दो फिर चार फिर पाँच ऐसे ऐसे एक दूसरे से स्टिक करेंगे तभी तो पीपीटी में कन्वर्ट होंगे. ओके, तो ये होता क्या है कि जो चार्जेस हैं यही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. तो चार्ज होना ही स्टेबिलिटी का सबसे बड़ा रीज़न है. स्टेबिलिटी का रीज़न क्या है? चार्ज पर्सिस्ट बाई कोलाइडल्स. ओके, ये चार्ज पर्सिस्ट करते हैं इसलिए स्टेबल होते हैं, और ये पीपीटी में कन्वर्ट नहीं होते हैं. इट मीन्स अगर हम चार्जेस को रिमूव कर दें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. ओके, तो यही करना है. मतलब होता क्या है एक्चुअली, कोगुलेशन को हमको समझना है कि कोगुलेशन है क्या या प्रेसिपिटेशन क्या है. ये एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स को सेटल करा के पीपीटी में कन्वर्ट करते हैं. तो ये देखिए आपके बुक में डेफिनेशन यहाँ मेंशन की हुई है, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड द कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ द सॉल्ट. सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन या कह सकते हो कोगुलेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी कोलाइडल सॉल्ट को, कोलाइडल पार्टिकल्स को सेटल कर रहे हैं. सेटल करने मतलब उसको स्टैगनेंट कर दे रहे हैं, उसको रोक दे रहे हैं. क्योंकि इससे पहले आपने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है कि दे आर नॉट स्टैगनेंट, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, दे डू द ब्राउनियन मोशन, एंड सो मेनी प्रॉपर्टीज वी हैव डिस्कस्ड. सो नाउ दे आर वेरियस वेज हम किन किन तरह से कोगुलेशन कर सकते हैं. ओके, तो हमारा जो अगला सब हेडिंग होगी, द मैथड्स और द वेज बाय विच यू कैन डू द कोगुलेशन. कोगुलेशन करने के कौन कौन से मैथड हो सकते हैं. ओके, कौन कौन से मैथड या वेज हो सकते हैं? तो बहुत ईजिली आपने समझ रखा है कोगुलेशन क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि उसके ऊपर चार्जेस होते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर. अगर हम इन चार्जेस को रिमूव कर दें, इट मीन्स कि वी कैन जस्ट कलेक्ट दीज मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म द प्रेसिपिटेट. सो वन बाय वन देखिए, जैसे पहला प्रोसेस जिससे आप कोगुलेशन कर सकते हो इट इज़ इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्चुअली? इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने पढ़ा था, ये मैंने हेडिंग आपको समझाई थी. इलेक्ट्रोफोरेसिस का एग्जाम्पल है, यूट्यूब में आपने कोलाइडल सॉल्यूशंस को भरा था, उसके बाद उसमें जैसे करंट पास किया था तो बिकॉज दे आर चार्ज दे मूव टुवर्ड्स द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड, एंड ऑन दैट इलेक्ट्रोड दे गेट सेटल बिकॉज दे गेट डिस्चार्ज. तो इस तरीके से अगर आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे तो उनके ऊपर से चार्ज रिमूव हो जाएगा और वो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएंगे. ओके, तो एक ये तरीका हो गया. दूसरा है बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज सॉल्ट. दो जैसे एक पॉजिटिव चार्ज सॉल्ट है और एक निगेटिवली चार्ज सॉल्ट है, अगर उनको एक दूसरे में आप मिक्स करोगे तो भी वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे और फिर वो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा. ऐसी कंडीशन को हम म्यूचुअल कोगुलेशन बोलते हैं. ऐसी प्रोसेस को हम क्या नाम दे रहे हैं? म्यूचुअल कोगुलेशन. ओके, तो इसमें मेंशन भी है, अपोजिटली चार्ज सॉल्व व्हेन मिक्स्ड इन ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शंस न्यूट्रलाइजेस दियर चार्जेस एंड गेट पार्शियली और कम्प्लीटली प्रेसिपिटेटेड. मिक्सिंग ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड एंड आर्सेनिक सल्फाइड ब्रिंग्स देम इन द प्रेसिपिटेटेड फॉर्म.
दिस टाइप ऑफ कोगुलेशन इज कॉल्ड द म्यूचुअल कोगुलेशन. व्हाई इट इज म्यूचुअल कोगुलेशन? बिकॉज दे कोगुलेट बोथ, एक दूसरे को वो कोगुलेट कर देते हैं. जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल लिखा है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ओके, और ये पॉजिटिवली सॉल्व था, चार्ज सॉल्व था, और आर्सेनिक सल्फाइड, आर्सेनिक सल्फाइड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है. तो दोनों को जब मिक्स करोगे तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे और पीपीटी में कन्वर्ट कर देंगे. एंड द नेक्स्ट वन इज़ बाय बॉयलिंग. आप बॉयलिंग करके भी ये काम कर सकते हो, बिकॉज वेन एवर यू आर कंटिन्यूसली बॉयलिंग द कोलाइडल सोल्यूशंस, देन व्हाट विल हैपन, दे दीज पार्टिकल्स विल गेन अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड दे विल स्टार्ट मूविंग हियर एंड देयर. वेन एवर दे आर मूविंग हियर एंड देयर, दे आर कोलाइडिंग विद वेरी मच एनर्जी. और जब वो बहुत एक दूसरे के साथ बहुत तेज़ी से कोलाइड करेंगे, जब उनके बीच में बहुत तेज़ी से कोलिजन होगा, तो व्हाट विल हैपन, वो अपने ऊपर से चार्जेस को रिमूव कर देंगे. एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली इनके जो ऊपर चार्जेस थे वो रिमूव होने की वजह से वो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएंगे. ओके, तो बॉयलिंग का सिंपल सा मैथड कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने किसी एक बीकर में रखा है और इसको लगातार आप यहाँ से फ्लेम दे रहे हो उसको, ओके, ये बर्नर के थ्रू, तो क्या होगा कि जब इसमें बहुत तेज़ी से ही मूव करना शुरू करेंगे तो क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे. जब ये कोलाइड करेंगे तो कोलाइड करने की वजह से जो इनके ऊपर जो चार्जेस थे, ये चार्जेस ये अपने ऊपर से रिमूव कर देंगे. जब चार्जेस रिमूव हो जाएंगे तो वो एक दूसरे के साथ कलेक्ट हो जाएंगे. कलेक्ट होने के बाद पीपीटी में कन्वर्ट हो जाएंगे. ओके, नेक्स्ट है बाय परसिस्टेंट डायलिसिस. तो डायलिसिस तो आपने पढ़ा हुआ है, ये देखिए डायलिसिस हमने इससे पहले डिस्कस किया था, दिस इज द डायलिसिस. ओके, इसमें हमने क्या बताया था कि आप यहाँ से फ्रेश वाटर की सप्लाई देते जाते हो, ये सेमी परमीबल मेम्ब्रेन या डायलाइजिंग मेम्ब्रेन यहाँ जो लिखा हुआ है, इसके थ्रू आपने कोलाइडल पार्टिकल्स को, सॉल्यूशंस को सेपरेट किया हुआ है डिस्पर्जन मीडियम से. तो जैसे इसमें डिफ्यूज़न होगा तो सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट जो अंदर थे वो बाहर निकल के आ जाएंगे. और इलेक्ट्रोलाइट्स अगर बाहर निकल के आ जाएंगे तो आपको ये समझना है कि जो चार्ज की हेडिंग हमने पढ़ी थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि इनके ऊपर जो डिपोजिशन है कोलाइडल पार्टिकल्स पर, जो चार्ज का डिपोजिशन है, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट इन. ओके, जैसे मैंने कहा कि ये AgI है और AgI पे आई माइनस का अगर ये एडजॉर्प्शन हो रहा है तो ये किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट अवेलेबल हैं, ये उस पूरे कंटेनर में अवेलेबल हैं, इसलिए इनके ऊपर चार्ज आया है. लेकिन अगर आप डायलिसिस करके इन सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को बाहर निकाल दोगे तो जब चार्जेस निकल गए तो इनके ऊपर कोई चार्ज बचा ही नहीं. जब ये अनचार्ज रहेंगे, अनचार्ज का मतलब हो गया कि अब ये पीपीटी में आसानी से कन्वर्ट हो जाएंगे. तो लगातार अगर आप परसिस्टेंट डायलिसिस का मतलब होता है लंबे समय तक डायलिसिस करते रहेंगे तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, द कंप्लीट removal of the electrolyte will lead to the no charge on the particles, and if there are no charge on the particles they will easily get collected and form the precipitate. Okay, now the next one is the most important one, that is the addition of electrolyte, the most important point, the addition of electrolytes. Electrolytes ko add karne se kaise aap matlab isko precipitate kar sakte ho, to simple hai. आपको समझना ज़रूरी है कि अगर आप किसी एक कोलाइडल पार्टिकल में अगर आपने किसी इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर दिया तो वो क्या करेगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि हर एक कोलाइडल जो है वो कोई ना कोई, जैसे मान लेते हैं ये आई माइनस अपने ऊपर एड्जॉर्ब करके रखा है तो ये नेगेटिवली चार्ज सॉल्व है, और हमने इसके अंदर मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल NaCl को ऐड कर दिया तो Na+Cl- में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और जो अपोजिटली चार्ज आया ना उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और इसको न्यूट्रलाइज करेगा. जैसे इसको न्यूट्रलाइज करेगा तो चार्ज इसके ऊपर से रिमूव हो जाएगा और चार्ज रिमूव होते ही ये पार्टिकल्स AgI के एक दूसरे के साथ कलेक्ट हो के एक बिगर साइज़ के पार्टिकल बना लेंगे और वही पीपीटी में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो इस तरीके से हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके भी आप बना सकते हो, मतलब प्रेसिपिटेट. जैसे मान लेते हैं अगर मैंने कहा कि AgI पे Ag+ का होता तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता, तो ऐसे केस में आपने मान लेते हैं मैंने कहा Na+ ही डाला हमने फिर से, तो Na+Cl-, तो अब Cl- इसकी तरफ इसकी विसिनिटी में आएगा, इसको डिस्चार्ज करेगा और डिस्चार्ज करने की वजह से इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रह जाएगा तो AgI के मॉलिक्यूल्स एक, फिर दो, फिर चार, ऐसे करते करते बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये पीपीटी में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, तो ये तो हो गया एक सिंपल मैथड. नाउ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल आपको पढ़ना है जो कि हमारे सिलेबस में है और एग्ज़ाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज़ टर्म्ड एज हार्डेस्ट शेल रूल. एंड यही रूल आपको ये बताता है और इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. बिकॉज आपने अभी देखा जो मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर अगर आपने NaCl डाला होगा, ये नेगेटिवली चार्ज था तो Na+ इसको इसके ऊपर न्यूट्रलाइज करेगा I- को, ये ओवरऑल चार्ज इसका निकल जाएगा जिसकी वजह से पीपीटी में ये कन्वर्ट हो सकता है AgI की हम कब बात कर रहे हैं. तो अगर मैं ये कहूँ कि आपको मैं यहाँ पे Na+ NaCl ना देके मैं आपको यहाँ BaCl2 दे रहा था तो क्या होगा, तो बहुत आसानी से आपने एक कंक्लूजन निकाला होगा कि अगर आपने हमको BaCl2 दिया तो ये हमें BA2+ चार्ज देगा,
NaCl क्या दे रहा था, Na प्लस चार्ज दे रहा था। इसका मतलब है कि Na प्लस, एक Na प्लस सिर्फ एक ही को तो न्यूट्रलाइज करेगा, एक ही मतलब आयन को न्यूट्रलाइज कर पाएगा, पर Ba2 प्लस दो आयन को न्यूट्रलाइज कर पाएगा। उसी तरह से अगर हमने आपको Al3 प्लस का कोई कंपाउंड दिया हो तो फॉर एग्जांपल Al2SO4 होल थ्राइस दिया हो तो एल्युमिनियम सल्फेट, तो एल्युमिनियम पर प्लस 3 का चार्ज, इसका मतलब है 3 एनायंस को, 3 नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट पार्टिकल को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो इन नटशेल अगर आप समझिए तो यानी कि जो चार्जेस हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर, दे आर प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द प्रेसिपिटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कोलाइडल पार्टिकल्स। तो हार्डशेल रूल जो है वो यही कह रहा है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट जनरली द ग्रेटर द बैलेंस ऑफ द फ्लॉकुलेटिंग आयन एडेड द जनरल सॉरी द ग्रेटर इज इट्स पावर टू कॉज प्रेसिपिटेशन, दिस इज नोन द हार्डशेल रूल। ओके, जैसे मान लेते हैं इसमें लिखा है कि मान लेते हैं नेगेटिव सॉल्ट था तो, और आपने उसमें तीन अलग अलग मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स दिए जिनके जो कैटायन थे वो डिफरेंट चार्जेस रख रहे थे, तो Al3+ के ऊपर 3+ का चार्ज है, इट मीन्स कि लोन सिंगल एल्युमिनियम 3+ आयन कैन डिस्चार्ज 3 नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट, देन Ba2+ जो होगा वो दो को कर पाएगा और Na+ सिर्फ एक को ही डिस्चार्ज कर पाएगा। तो ऑन दिस बेसिस ग्रेटर द चार्ज ग्रेटर द वैलेंस ग्रेटर द कोगुलेटिंग पावर और द फ्लॉकुलेटिंग पावर। ओके, तो कोगुलेटिंग पावर कहिए चाहे फ्लॉकुलेटिंग पावर कहिए एक ही चीज़ है, क्योंकि मैंने आपको इस लेक्चर की शुरुआत में बताया कि कोगुलेशन प्रेसिपिटेशन फ्लॉकुलेशन एक ही टर्म है, उसको हम अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। सिमिलरली अगर कोई पॉजिटिव चार्ज सॉल्ट होगा और उसमें आपको अगर चार अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोलाइट दिए जाएंगे जिनमें एनायंस के ऊपर डिफरेंट चार्जेस हैं, तो जिस एनायन पे सबसे ज़्यादा चार्ज होगा उसकी कोगुलेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी, देन उसकी 3- की, देन SO4 2- की, देन Cl- की। क्योंकि बोर्ड में इस पे बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई एक इलेक्ट्रोलाइट को एक कोलाइडल सोल्यूशन दे देगा। ओके, जैसे मान लेते हैं मैंने ही आपसे कह दिया कि एक क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल Fe2O3 Fe3+ ये पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट है। ओके, XS2O भी होगा यहाँ पे, XS2O पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट है, और आपको मैं यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज सॉल्ट है इसका मतलब एनायन का ध्यान रखना होगा, और मैंने आपको दिया NaCl। ओके, देन BaSO4 दिया हुआ है, फिर उसके बाद मैंने आपको दे दिया है Na3PO4, है ना, लाइक दिस। इस तरीके से मैंने आपको तीन इलेक्ट्रोलाइट्स दिए और आपसे बोला कि इन तीनों को अरेंज करिए कि किसकी कोगुलेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी। तो क्योंकि ये एक पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट है तो हमें क्या देखना है कि एनायन पे क्या चार्ज है, NaCl से क्या निकल रहा है Cl-, BaSO4 से क्या निकल रहा है SO4 2-, एंड Na3PO4 से निकल रहा है PO4 3-। ओके, तो ये तीन अलग अलग एनायंस हो गए जिनके ऊपर -1, -2, -3 का चार्ज है। तो बहुत ईजिली आपको समझ में आ गया होगा जिसके ऊपर -3 का चार्ज है वो सबसे अच्छी कोगुलेटिंग पावर रखेगा, इसका मतलब Na3PO4 की कोगुलेटिंग पावर इज़ ग्रेटर देन BaSO4 की कोगुलेटिंग पावर इज ग्रेटर देन NaCl, बिकॉज जो एनायंस हैं इसमें Pa4 3- है, ये तीन को न्यूट्रलाइज कर सकता है, BaSO4 2 को कर सकता है, NaCl सिर्फ 1 को कर सकता है। इसी तरीके से इसका उल्टा क्वेश्चन भी बन सकता है, अगर निगेटिवली चार्ज सॉल्व होगा तो हमें कैटायन पे फोकस करना होगा। ओके, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है जो कि जनरली पूछा जाता है एग्जाम में। अब आता है एक नया टॉपिक, मतलब टॉपिक तो नहीं, इसी हार्डशेल रूल में एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ लिखी है कि द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स पर लीटर रिक्वायर्ड टू कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ ए सॉल्ट इन 2 आवर इज कॉल्ड द कोगुलेटिंग वैल्यू। ये भी एक 1 मार्क की डेफिनेशन है कि जितनी मिनिमम कंसंट्रेशन किसी इलेक्ट्रोलाइट की मिलीमोल्स पर लीटर में चाहिए 2 घंटे में किसी एक कोलाइडल को प्रेसिपिटेट करने के लिए, वो क्या कहलाती है, उसकी कोगुलेटिंग वैल्यू कहलाती है। और जितनी कम कोगुलेटिंग वैल्यू होगी, इसका मतलब उस पर्टिकुलर कंपाउंड की या पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट की कोगुलेटिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। क्योंकि ये क्या था, कोगुलेटिंग वैल्यू क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नीडेड। ओके, तो क्लियर हुआ, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि कोगुलेटिंग वैल्यू क्या है, इट इज़ द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स पर लीटर रिक्वायर्ड टू कॉज प्रेसिपिटेशन ऑफ अ सॉल्ट इन 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे के लिए अगर आप किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट को मिलीमोल पर लीटर में उसकी क्वांटिटी निकाल रहे हो कि वो किसी एक कोलाइडल सॉल्ट को 2 घंटे में कितना प्रेसिपिटेट कर पाएगा, वो उसकी कोगुलेटिंग वैल्यू कहलाएगी, और जितनी कम नीडेड होगी उतनी ही उसकी कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा होगी। ओके, अब इसमें एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी पॉइंट्स हमने अभी आपसे डिस्कस किए हैं इनमें से किसी से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, तो थोड़ा सा अलर्ट होकर क्वेश्चंस के जवाब देंगे। अब हम बात करते हैं कोगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट।
तो लायोफिलिक सॉल्ट क्या होते हैं? ऐसे सॉल्ट जो कि बहुत अच्छी एफिनिटी रखते हैं टूवर्ड्स द डिस्पर्जन मीडियम। ओके, तो लायोफिलिक सॉल्ट जो है हमारा, ये जैसे मान लेते हैं कोई भी एक लायोफिलिक सॉल्ट है ना, लायोफिलिक सॉल्ट का मतलब कोलाइडल की ही बात कर रहे हैं, और ये मान लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट है फॉर एग्जाम्पल। तो क्या खास बात आपको इसमें पता होनी चाहिए कि इट इज़ प्रोटेक्टेड। वाई इट इज़ प्रोटेक्टेड? बिकॉज इट इज़ हैविंग पॉजिटिव चार्ज, इट हैज़ द चार्ज। तो फर्स्ट रीज़न इज कि इट इज़ चार्ज, तो इस वजह से प्रोटेक्टेड है, चाहे वो हाइड्रोफिलिक हो, लायोफिलिक हो, चाहे वो लायोफोबिक हो, दोनों ही चार्ज हैं अगर, तो दे आर स्टेबल, दे आर प्रोटेक्टेड। बट इन द केस ऑफ लायोफिलिक कोलाइड, अगर हम लायोफिलिक की बात करते हैं, तो लायोफिलिक कोलाइड की एक और खास बात है कि इट हैज़ अ वेरी ग्रेटर एफिनिटी टूवर्ड्स द डिस्पर्जन मीडियम। इट मीन्स कि दिस कोलाइड इज ऑल्सो सराउंडेड बाई द सॉल्वेंट या डिस्पर्जन मीडियम, जो इसको फर्दर प्रोटेक्ट करके रखता है। पॉजिटिव चार्ज तो प्रोटेक्ट करके रख ही रहा था, उसके साथ साथ इसको और कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? जो डिस्पर्जन मीडियम है, बिकॉज लायोफिलिक सॉल्व वो होते हैं जो डिस्पर्जन मीडियम से बहुत ग्रेटर एफिनिटी रखते हैं। इसका मतलब है कि इसका प्रेसिपिटेशन और भी मुश्किल होगा, ये जल्दी और भी प्रेसिपिटेट हो पाने में इसको बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि ये जल्दी, अगर आप इसको करना चाहते हो प्रेसिपिटेट, तो आपके लिए सामने दो समस्या खड़ी है। एक तो है कि ये चार्ज रख रहा है, वो तो था ही, दूसरा कि इसके ऊपर ज़बरदस्त सॉल्वेशन है, मतलब इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से किसी सॉल्वेंट ने इसको कवर कर रखा है, इसको प्रोटेक्ट कर रखा है। इट मींस यू हैव टू रिमूव द चार्ज एज वेल एज यू हैव टू रिमूव द लेयर ऑफ दैट डिस्पोजन मीडियम। ओके, तो हम लायोफिलिक सॉल्व को अगर कॉगुलेट करना चाहते हैं, तो हमें चार्ज रिमूव करने के लिए क्या करना है? कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके आप ये काम कर सकते हो, और सॉल्वेशन हटाने के लिए हम किसी सफिशियंट सॉल्वेंट का इस्तेमाल करेंगे, तब जाके ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ से हटेंगे। जिसके लिए यहाँ पर आप देखो, एग्जाम्पल में आपके बुक में बहुत ईजिली ये चीज़ समझाई जा रही है। दिस इज डन बाई एडिंग एन इलेक्ट्रोलाइट एंड बाई एडिंग अ सुटेबल सॉल्वेंट। वेन सॉल्वेंट सच एज अल्कोहल एंड एसिटोन आर एडेड टू द हाइड्रोफिलिक सॉल्ट्स, हाइड्रोफिलिक मतलब जिसमें वाटर की तरफ एफिनिटी रखते हैं वो सॉल्व, द डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, और डिस्पर्जन, डिस्पर्स फेज अकर्स अंडर दिस कंडीशन, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन ब्रिंग अबाउट कॉगुलेशन। ओके, तो इस तरीके से हम लायोफिलिक सॉल्ट का कॉगुलेशन कर सकते हैं। ओके, तो यानी कि ये तो हो गया कॉगुलेशन। अब एक और टॉपिक बचा, इसको हम प्रोटेक्शन बोलते हैं। आप प्रोटेक्ट कैसे करोगे? तो प्रोटेक्शन करना, तो प्रोटेक्शन मतलब हेडिंग वही है जो हमने सबसे पहले चार्ज में पढ़ी थी, कि चार्ज, बिकॉज ऑफ चार्ज दीज दे आर प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स, तो अगर हम पहली बात करते हैं लायोफिलिक की, तो लायोफिलिक, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बोला कि लायोफिलिक कोलाइड्स जो होते हैं, दे इटसेल्फ प्रोटेक्टेड, इटसेल्फ प्रोटेक्टेड। व्हाई इटसेल्फ प्रोटेक्टेड? बिकॉज पहला रीज़न क्या बताया था? चार्ज तो होता ही है, और दूसरा क्या बताया? वो सॉल्वेटेड हैं। ओके, इसकी वजह से प्रोटेक्टेड हैं। इट मीन्स देयर इज नो नीड टू प्रोटेक्ट द लायोफिलिक कोलाइड्स, बिकॉज दे देमसेल्व्स, दे प्रोटेक्ट देयर, दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स वेरी इजीली। बट When you are talking about the lyophobic salt, तो lyophobic colloids जो होते हैं, they are not very much protected, because उनके पास सिर्फ एक ही shield है, that is charge. They are not solvated. और charge को remove करना बहुत आसान है, आप कोई भी electrolyte डालिए, वो आप आसानी से उसको discharge कर सकते हो. For example, अगर मैं कहूँ कि आपके घर में कौन सा example है जिसमें coagulation हो रहा है, तो दूध का फटना एक बहुत अच्छा example है, जिसमें आप जानते हो कि दूध यानी milk जो है वो एक कोलाइडल है, मिक्सचर है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। जैसे उसमें आप किसी भी तरह का इलेक्ट्रोलाइट, चाहे विनेगर डालिए, स्टिक एसिड, चाहे सिट्रिक एसिड डालिए जो कि नींबू का रस है, और चाहे आप NaCl नमक डाल दीजिए, तो उसमें एक में से किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के डालते ही दूध फट जाता है। तो दूध का फटना एक तरह का कोगुलेशन है। ओके, अब बात करते हैं लायोफोबिक कोलाइड्स को आप प्रोटेक्ट कैसे करोगे। प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड को अगर आप देखना चाहते हैं, तो आपकी बुक में, आपकी स्क्रीन पे एक डायग्राम ओपन हो रहा है, उस डायग्राम को देखिए। उसमें साफ साफ क्लियर हो रहा है कि जैसे आप लायोफिलिक कोलाइड को डालते हो, तो लायोफोबिक कोलाइड की चारों तरफ एक लेयरिंग कर, प्रोटेक्टिव लेयरिंग कर लेता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेन एवर यू वॉन्ट टू जस्ट प्रोटेक्ट, यू वॉन्ट टू कोगुलेट द लायोफोबिक कोलाइड, तो क्या करना होगा आपको? पहले लायोफिलिक कोलाइड्स की लेयर को रिमूव करेंगे, देन उसके चार्ज को रिमूव करेंगे। इट मीन्स अगर आपको प्रोटेक्शन करना है लायोफोबिक कोलाइड की, तो हमें क्या करना होगा? इसमें लायोफिलिक कोलाइड को मिक्स करना होगा। जैसे आप मिक्स करोगे, तो लायोफोबिक कोलाइड के चारों तरफ चार्ज तो थे, जो थे ही, वो तो उसको प्रोटेक्ट कर ही रहे थे, उसके ऊपर लायोफिलिक
कोलाइड्स की लेयरिंग हो जाएगी जो इसको फर्दर प्रोटेक्ट कर लेगी। इस तरीके से आप प्रोटेक्शन कर सकते हो। तो अब इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गोल्ड नंबर, जो कि वैसे CBSE में एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, पर ये आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको ज़रूर पढ़ते हैं। तो व्हाट इज़ गोल्ड नंबर? एक्चुअली इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड इन मिलीग्राम्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द कॉगुलेशन ऑफ अ 10 ml ऑफ अ गिवन गोल्ड सॉल्ट व्हेन 1 ml ऑफ अ 10% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज एडेड टू इट। तो गोल्ड नंबर जो होता है ये एक पर्टिकुलर वैल्यू है जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की आपको ये बताने के लिए सफिशियंट होती है कि ये कितना प्रोटेक्शन कर सकता है किसी कोलाइड का। ओके, सो इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलाइड इन मिलीग्राम्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट द कॉगुलेशन ऑफ अ 10 ml ऑफ अ गिवन गोल्ड सॉल्ट व्हेन 1 ml ऑफ अ 10% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज एडेड टू इट। इट मीन्स गोल्ड नंबर जो होगा इट इज़ द रेसिप्रोकल टू मेजर द प्रोटेक्टिव पावर ऑफ अ कोलाइड। इट मीन्स जितना लेस गोल्ड नंबर होगा उतना ही उसकी कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा होगी। ओके, इट मे बी नोटेड दैट स्मॉलर द वैल्यू ऑफ द गोल्ड नंबर ग्रेटर विल बी द प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलाइड। सो ये तो हो गया हमारा प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड। तो अभी के लिए बस इतना ही। इमल्शन हमारे सिलेबस में है नहीं, इसलिए हम इस सेशन की बात कर रहे हैं 2020-21 की। तो बस आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।